हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 डेयरी साइंस का पेपर सॉल्व करवाएंगे। बुकलेट सीरीज ए है। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपके सब्जेक्ट में ये डेयरी साइंस थर्ड सेमेस्टर में आता है, आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा, इन क्वेश्चंस को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट किए जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनडीडीबी वाज एस्टेब्लिश्ड इज व्हिच ईयर, किस वर्ष हुआ था, 1965 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेंगे। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो श्वेत क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, वो दुग्ध क्रांति से है। और आप लोगों को ये और बताना है, पढ़ के जाना है कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर है कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, आनंद पैटर्न सहकारी समिति की संरचना होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षित दूध वह दूध होता है जो कि जीवाणु रहित हो, हानिकारक दुग्ध संरक्षक से मुक्त हो, धूल से मुक्त हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, इनमें से दुग्ध स्रावित करने वाला ऊतक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एल्वियोलाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दुग्ध में यूरिया मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, नाइट्रोजन बढ़ाने को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दुग्ध कूप में क्या होता है, आपको बताना है जो दुग्ध कूप होता है तो वहाँ पे क्या होता है, खून होता है, दूध होता है, पानी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि दुग्ध कूप में क्या होता है। क्या पूछ रहा है, व्हिच इज द फाउंड इन मिल्क वेल, तो मिल्क वेल में क्या होता है पता ही है आपको, मिल्क कहाँ से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध संरक्षण के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिकन LH। ऑप्शन नंबर बी का सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, इनमें से किसे भारत के श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन। अभी आप देखेंगे पिछली बार ने पूछा था ना, पढ़ के जाना, व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर V.R. कुरियन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का लगभग 10% की भागीदारी है, तो कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सर्वप्रथम MOET शुरू किया गया था, कहाँ पे शुरू किया गया था, NDDBD आनंद में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, लैक्टोमीटर नापता है, क्या मापता है, अपेक्षित घनत्व पानी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दही में नमी की प्रतिशत मात्रा, दही में नमी की प्रतिशत मात्रा 86%, प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत की मात्रा होती है 60 से 80% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, छेदर पनीर में प्रोटीन, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि आइसक्रीम में स्थायी कारक तत्व होते हैं, अगर पैक्टीन, जिलेटिन, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बोमर्स फाइटोस्टेरॉल परीक्षण में घी के अपमिश्रण का पता लगाता है, कौन लगाता है, पशु चर्बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, घी में तिल के तेल के अपमिश्रण को किस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, बोडाइन परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आप शीत केंद्रों पर
दूध को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए ताप क्रम तक ठंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एगमार्क का पूरा नाम क्या है, कृषि विपणन, एगमार्क का क्या नाम है, कृषि विपणन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्दावली मानकीकरण संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, दुग्ध का कौन सा अवयव प्रतिदिन सबसे अधिक भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, फैट, वसा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 31 का देखेंगे, दुग्ध दोहन में दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है किसमें, अंतिम दूध में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ब्याने के बाद लगभग सप्ताह बाद दुग्ध उत्पादन उच्च स्तर तक पहुँच जाता है, तो यानी इसमें ये पूछ रहा है कि ब्याने के बाद पशुओं में दुग्ध जो स्तर होता है, दूध ज़्यादा आने लगता है, कितने सप्ताह बाद आता है, तो इसका आंसर आपको बताना है कितने सप्ताह बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दुग्ध काल की अवधि दिन होती है तो कितनी होती है, 305 दिन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर, 100 किलोग्राम 8% वसा युक्त भैंस के दूध से कितने किलोग्राम घी प्राप्त होगा, तो 6 से 7 किलोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक गाय का अधिकतम दुग्ध उत्पादन वर्ष उम्र में करते 6 से 7 वर्ष, कितना, ऑप्शन नंबर सी 6 से 7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मिलावटी पानी का सूचन है, तो ऑप्शन नंबर ए दूध में अपेक्षाकृत कम वसा। चलिए इस क्वेश्चन से क्या क्या पा रहा है, दूध में मिलावटी पानी का सूचन है, ऑप्शन नंबर ए दूध में अपेक्षाकृत कम वसा का होना, ऑप्शन नंबर बी दूध में अपेक्षाकृत कम अपेक्षित घनत्व का होना, ऑप्शन नंबर सी दूध में हिमांक का अपेक्षाकृत ऊंचा होना, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर भी आप लोगों को ही बताना है, आपको देख के ही आइडिया लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आर्थिक रूप से ब्याज अंतराल महीने का होना चाहिए, कितने महीने का, 12 महीने का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी उत्पादों के प्रतिशतन के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है क्या है, अमोनिया, NH3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, हंसा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल अमोनिया शीतगृह के किस भाग में वाष्प या गैस में परिवर्तन की जाती है, संपीडक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, AOAC की अधिकृत विधि से गाय की दूध हिमांक बिंदु है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाय के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर सी 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, दुग्ध घी में वनस्पति घी का मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बोडिन परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोडिन परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, वसा में घुले कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दूध में सबसे हल्का अवयव कौन सा होता है, दुग्ध वसा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, इसको छोड़ देना है आपको, दुग्ध में बैक्टोफ्यूगेशन प्रक्रिया की जाती है, किसमें की जाती है, दूध से हानिकारक जीवाणु निकालने को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, अमूल का विस्तृत रूप है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंड दूध में वसा कितने प्रतिशत होता है, तो 3% होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, दूध में दुग्ध शर्करा किस रूप में पाई जाती है, तो ये आप सभी को पता होगा, लैक्टोज रूप में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खीस में सबसे अधिक प्रतिशत में होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल की भैंस में वसा की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे रहता है, देखिए आप सुन लीजिए इस क्वेश्चन को,
किस नस्ल की भैंस में वसा प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? तो किस में होता है? भदावरी में होता है। ज़्यादातर लोग मुर्रा भैंस में क्लिक कर देते हैं कि मुर्रा। अगर दूध की बात की जाए तो मुर्रा होती है। तो किसकी बात कर रहा है? फैट की, कि किस नस्ल की भैंस में फैट की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है? भदावरी में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सही। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। मक्खन में वसा का कम से कम कितने प्रतिशत वसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 80% होना चाहिए। खोआ में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी 26%। NDRI कहाँ स्थित है? NDRI करनाल में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी किस वर्ष में पंजीकृत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1913 में हुई थी। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, तो ये क्वेश्चन आप, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो इन सारे ऑप्शन में से कोई सभी नहीं है शायद, तो आप इसको देख लेंगे एक बार गूगल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष के अंदर किस पायदान पर आता है? तो किस पायदान पर आता है? द्वितीय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। अगला देखेंगे 60 नंबर। निम्न में से कौन सा दुग्ध परीक्षक नहीं है? निम्न में से कौन सा दुग्ध परीक्षक नहीं है? इसका आंसर बताना है आपको। ये तीनों हैं तो क्या हैं? तीनों कैसे हैं कि इनमें से दुग्ध परीक्षक है, इनमें से एक ही नहीं है, तो कौन सा नहीं? एस्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। चलो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में जीवाणु स्रोत हो सकता है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। दुग्ध वसा का RM मान होता है 17 से 35, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दुग्ध में क्रीम निकालते समय सामान्य दूध का तापक्रम होना चाहिए 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेरिफिकेशन का उद्देश्य होता है, कैलेरिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? दूध में से चीकट निकालना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है गायों की संख्या में, भैंसों की संख्या में, बकरी की संख्या में? तो उपरोक्त सभी में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 6% होती है। गाय के दूध में भैंस के दूध से अपेक्षाकृत अधिकता होता है कैरोटीन, क्या होता है? फैट तो होता नहीं है, फैट भैंस के दूध में होता है, तो गाय के दूध में भैंस के दूध से क्या ज़्यादा होता है? कैरोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ये 1950 में की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुग्ध में नाइट्रेट परीक्षण की किसकी मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दूध में पानी की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में 1% एक पानी मिलावट का पता, इसे छोड़ देना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध में लैक्टोज कुल प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के बीच सही बीत अनुपात होता है, तो क्या होता है? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम डेयरी सहकारी समिति किस शहर में स्थापित है? तो इलाहाबाद में है, 1913 में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। व्राइन का प्रयोग दुग्ध व्यवसाय में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दूध प्रशीतन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, डेयरी उपकरणों के लिए सैनिटाइजर है, माप का प्रवाह, क्लोरीन कंपाउंड, आइडोफोर, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। सघन डेयरी विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये
डेयरी साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा अपने नोटबुक में या नोट कर लीजिए, या वीडियो अगर आपको नोट करने का टाइम नहीं है आपके पास क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो हमने क्वेश्चन छुड़वा दिया है तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए आने के लिए सफिशेंट है जो क्वेश्चंस बताए गए हैं। मोस्टली इन्हीं में से अगर आना होगा तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इन क्वेश्चंस की, तो आप पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से भी करिए, एक आपको आइडिया लग गया, हमने पेपर सॉल्व करवा दिया कि पेपर इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको डेयरी साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप से कुछ बुक से या जैसे भी आपको मिले तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।